बरपेटर जिला आदालत जिग्नेश मेवानी आको 2 सेप्टेम्बर हाजिर हर निर्देश गुजरात विधायकगढ़ गुजरात विधायक जिग्नेश मेवानी विरुद्धे बरपेटर जिला आदालत आसे एक गोचर गोचर तो चार्जिंग फ्रेम शुनानी दिन आुक्रबारे इतिम्य गोचर अब्याहति विचार मेवानिये आवेदन ग्रहण कर आदालते आवेदन प्रसंग शुनानी हम 2 सेप्टेम्बर जी। तो आज बारपेटा कोर्ट में चार्जेस फ्रेम करने को लेकर आज हियरिंग था और हम लोगों ने डिस्चार्ज का एप्लीकेशन फाइल किया है। इस केस में से मुझे निकाला जाए, बरी किया जाए, डिस्चार्ज किया जाए, उसके लिए हम लोगों ने पिटीशन फाइल किया है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी रिक्वेस्ट को कंसिडर करते हुए नेक्स्ट हियरिंग अगले महीने की 2 तारीख को यानी कि 2 सितम्बर को एक हफ्ते के बाद हियरिंग रखा है, तो उस दिन आर्ग्यूमेंट होगा। बरपेटा जिला और सत्र आदालत गुजरात विधायक विरुद्ध गोचर आसमर महिला आरक्षक दुर्व्यवहार कर अभियोग 2022 सन 21 एप्रिल रुजू गोचर तैयार बरपेटा आदालत समय समय हाजिर होगी जिग्नेश मेवानी आनते यह गोचर रुजू हर आड़ आ मेवानी विरुद्ध आन एक गोचर मेवानी विरुद्ध अभियोग आ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कटाक्ष कर अभियोग सन्दर्भ बीटीआरर एजन परिषदीय सदस्य मेवानीर विरुद्धे कोकराझारत रुजू करिसिल गोचर सेई गोचरत मेवानीक अहम आरक्षीये आटक करार समयत विधायकजने दुर्व्यवहार करिसिल महिला आरक्षीक मेवानीये शुक्रबारे बरपेटात उपस्थित हय आगन्तुक देशत कांग्रेसर नेतृत्वत सरकार गठन हब बुलिओ मन्तव्य करे। इंडिया जीतेगा, टीम इंडिया सरकार बनाएगा 2024 में। देखिए जितने भी विपक्षी दल है बीजेपी के खिलाफ जो भी ईमानदारी से लड़ता है वो सारे लोग इंडिया का भाग बनेंगे, सारे लोग इंडिया का बैनर के तले ही लड़ेंगे। एंड आई एम रियली ऑप्टिमिस्टिक, बहुत अच्छा चुनाव का नतीजा आएगा। धीरे धीरे यहाँ की हवा, यहाँ की फिजा का रुख बदल रहा है। बरपेटार पर दिगंत कलिता, प्राग न्यूज़।